रहमान रहीम, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जो है वो जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 7 का जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रेशर के बारे में बताया था कि प्रेशर जो है वो उसकी स्टेटमेंट के बारे में, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट। फिर उसके बाद हमने जो है वो वाटर प्रेशर की बात की, जिसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहा जाता है। तो उसमें हमने देखा कि किस तरह जो डेप्थ है वो ज़्यादा कर दें तो प्रेशर, जो वाटर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, अगर डेप्थ कम हो तो जो वाटर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो फिर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी कि अगर एक कप है उसमें पानी भर लें और दूसरी तरफ जो है ग्लास में पानी भर लें, तो ग्लास की डेप्थ जो है वो ज़्यादा होगी, तो इस वजह से वहाँ जो है वो क्या होगा, वो प्रेशर उसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आज जो है वो टॉपिक से आपसे डिस्कस करना कि गैस प्रेशर इन अ कंटेनर। अब ये जो है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि गैस का जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। क्या करते हैं वो? फ्रीली, रैंडमली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं और कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं। उनको किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती मूव करवाने के लिए, ठीक है? वो इजीली क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसा कि डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, कि ये जो उसके गैस के पार्टिकल हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। और जब वो गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो कि ये जैसे लेट सपोज करें ये जिसको सर्कल किया, ये पार्टिकल जो है जब ये जाके दीवार के साथ टकराया है तो इसने क्या किया, अपनी फोर्स जो है इसको दे दी। इसका मतलब इसने प्रेशर एग्जर्ट कर दिया। आज का टॉपिक जो है बेसिकली इसी बात के ऊपर है कि गैस का प्रेशर जो है कंटेनर में कैसे लगता है। डायग्राम आप लोगों ने बनानी है, क्यूबिक फॉर्म में बनी हुई है, कोई मुश्किल नहीं है बनाना। अब हम इसको आगे फर्दर डिस्कस कर। मैंने आपको पिछली दफा भी ये कहा था और ये जबकि ये स्लाइड का जो है सिलसिला शुरू हुआ है लेक्चर का ऑनलाइन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है कि जो भी टॉपिक है उसको विद हेडिंग और पॉइंट्स की फॉर्म में आपको मैं जो है वो प्रोवाइड करूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज़ ज़हन में रख लें, कोशिश करें आप एक पेज लें अपना जो है वो रजिस्टर वगैरह रख लें, उसके ऊपर आप उसके नोट्स बनाते जाएं। आप नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है? उसका ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है बजाय कि एक पैराग्राफ में अगर हो, तो अगर एक पॉइंट्स बने हो साथ हेडिंग्स बनी हो, तो एक पैराग्राफ में बच्चा लिख देता है एक हेडिंग्स के साथ लिखता है, तो प्रेफरेंस जो है वो तो हेडिंग वाले को मिलती ताकि उसने एक अच्छा एलेबोरेट किया उसको। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप लोगों ने अपनी नाइन्थ में जाना है, आपने ये बातें अभी से सीखनी है कि एक होता है प्रेजेंट, एक जब भी मार्क्स आपको यानी कि लेने होते हैं तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है पेपर प्रेजेंटेशन और दूसरा होता है रिवीजन। तो हमारी कोशिश तो यही है कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह जो है उसके बारे में बता दिया जाए। और इसका सिंपल हल यही, जैसे आप देखें हेडिंग्स बनाई हुई हैं साथ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इस तरह होता है कि पेपर जो पेपर चेकर होता है उसको जो है चेक करना आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि पहला इसका पॉइंट है, मैंने पहले आपको ये बताया कि गैस का जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं। उनको किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही मूव करते रहते हैं। अच्छा, जब ये अब देखें ना, अब एक चीज रैंडमली मूव कर रही है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, रैंडमली मूव कर रही है, तो उनका ये चांस है उनमें कि वो आपस में टकरा भी सकते हैं। और आप ये चीज ध्यान में रखें कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक होती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं आपस में, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में भी टकराते हैं और उसके बाद वो जो कंटेनर या जो बर्तन होता है जिसमें उनको रखा होता है सिलेंडर वगैरह, उनके वाल्स के साथ भी जाकर टकराते हैं। अच्छा, जब ये आपस में जाकर टकराते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या करते हैं, ये जो प्रेशर है उसको एग्जर्ट करते हैं। जैसे सपोज करें आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर जैसी आपको ब्रेक होती है, आपको पता है जब स्कूल में ब्रेक होती है
तो हम बच्चों को कह देंगे कि भाई जी आप जो है वो अपना ब्रेक हो गई है और आप खेल वगैरह लें, और आप देखें बच्चे जो है वो पूरा स्कूल अगर भागना शुरू कर दे पागलों की तरह, यानी कि कॉन्टिन्यूस मोशन में आ जाए, रैंडमली भागना शुरू कर दे, तो चांस ये है कि बच्चे आपस में क्या कर देंगे, टकरा जाएंगे। और जब बच्चे आपस में टकराते हैं तो आप देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो उधर गिर रहा होता है, दूसरा बच्चा दूसरी तरफ गिर रहा होता है, इसका मतलब है दोनों आपस में क्या कर किया, उन्होंने प्रेशर लगाया, फोर्स एग्जर्ट की है। तो ये सिंपल सी एक एग्जाम्पल है, तो आप लोग इससे अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि किस तरह मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो क्या करते हैं, टकराते हैं और फोर्स को एग्जर्ट करते हैं। गैस की जो प्रेशर होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के ऊपर और क्वांटिटी ऑफ द गैस के ऊपर, दो चीजों के ऊपर इसकी डिपेंडेंस होती है। तो ये भी इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखें कि अगर लेट्स सपोज करें कि आप लोग क्या करें कि सपोज करें कि ये मेरे पास एक कंटेनर है या कुछ सिलेंडर टाइप, इसमें मैंने गैस को इनक्लोज किया हुआ, ये गैस के पार्टिकल, ये गैस के पार्टिकल, तो आपको पता है गैस का पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, आपस में टकरा रहे होते हैं और कोलाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं, गैस के यही पार्टिकल जो है, इसी गैस को मैं जो है कुछ इस तरह कर दूं, अब देखिए आप गैस उतनी है, लेकिन आपने क्या किया है, जो कंटेनर है उसको छोटा कर दिया। जब कंटेनर को छोटा कर दिया है तो आप देखेंगे कि उनके दरमियान में कोलिजन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। जब उनके दरमियान में कोलिजन ज्यादा हो गई, कोलिजन क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले पार्टिकल दूर दूर थे, अब जो है वो उसकी निस्बत क्या हो गई, पास पास आ गए, जिसकी वजह से कोलिजन जो है वो बढ़ गई है और गैस का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, लेट्स सपोज करें कि आपकी क्लास में जो है वो कैपेसिटी है 30 बच्चों के बैठने की, यानी कि उस क्लास में 30 बच्चे ही बैठ सकते हैं। अगर सपोज करें मैं क्या करूं, एक एक ऐसी क्लास में उनको ले जाऊं जहां कैपेसिटी जो है वो 20 बच्चे की हो बैठने की, तो मैं क्या करूं, मैं बच्चों को ये कहूं कि बेटा आप इस कमरे से निकल के आप वो छोटे वाले रूम में चले जाएं। जब वो छोटे वाले रूम में जाते हैं तो वहां तो है ही 20 बच्चों की कैपेसिटी बैठने की, लेकिन बच्चे कितने हैं, 30। अब बच्चे क्या कहेंगे, सर ये तो क्लास पहले, ये तो बहुत छोटी क्लास है, तो हम यहाँ कैसे बैठे। तो फिर वो क्या करेंगे, वो पास पास और पास पास आ जाएंगे। टीचर उनको ये कहेगा कि बेटा आप पास थी जहाँ दो बैठते हो वहाँ तीन बैठ जाओ, तो आप देखेंगे वो पास पास आ जाएंगे, डिस्टेंस उनके दरमियान में कम हो जाएगा, और वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, जो शोल्डर वगैरह ऐसे मार रहे होंगे, इसका मतलब वो कोलाइड कर रहे हैं आपस में। तो इसी तरह ये चीज ध्यान में रखें कि अगर गैस को हम छोटे सिलेंडर में बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि वो उसके पार्टिकल जो है वो पास आ जाती हैं और कोलाइजन बढ़ जाती है, कोलाइजन बढ़ने से गैस का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट ऑफ गैस के ऊपर, अगर सपोज करें कि जो है वो ये मैं सिलेंडर लिया है, इस जो है वो जरा जो डायग्राम है उसको गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो डायग्राम में मैंने शो कर देना, ये देखेंगे। लेट्स सपोज करें कि इसमें गैस को मैंने इंडल्ज कर दिया, और गैस के वैसे एग्जांपल ले लें कि 100 मॉलिक्यूल्स मैंने इंडल्ज किए हैं, इसमें 100 मॉलिक्यूल्स मैंने जो है वो इसमें डाल लें, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आता है कि नहीं यार, मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर वही है, इसमें मैं 100 की बजाय 200 गैस के पार्टिकल जो है वो ऐड कर देता हूँ, कितने, 200। अब आपको देखें कि गैस की क्वांटिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, पहले 100 थी अब कितनी हो गई, 200। अब 200 हो गई है तो इसका मतलब क्या हो गया,
गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं तो उनके दरमियान में क्या होगा, कोलाइजन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उस कोलाइजन की वजह से, टकराव की वजह से प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल जो है वो इस तरह दे के समझाता हूँ इस चीज को कि अगर सपोज करें आपकी क्लास जो है उसमें कैपेसिटी जो है वो 30 बच्चों के बैठने की, 30 बच्चों के बैठने की, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, कहते हैं जी नहीं 30 बच्चे हैं, नहीं यार कुछ और बच्चे बैठने चाहिए। वो क्या करते हैं, वो 20 बच्चे और ऐड कर देते हैं। आप टोटल कितने हो गए, 50। कैपेसिटी कितनी है, 30 की, बच्चे कितने ऐड कर दिए, 20। अब आप देखें कि पहले 30 बच्चे थे इजीली, वो क्या कर रहे थे, इजीली जो है वो जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो कोलाइड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 20 और ऐड किए तो आप देखें कि वो कोलाइजन जो है उनके दरमियान में जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि हर बच्चा जो है वो क्या करेगा, एक दूसरे को वो जो है शोल्डर मारेगा, साइड पे करने की कोशिश करेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब भी गैस को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो जो प्रेशर ऑफ प्रेशर होता है गैस का, वो भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, इसको जो है वो जो है वो अच्छे से आप लोगों ने करना है। हेडिंग्स बनी हुई हैं, पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि इसको जो है कोशिश करें नोट्स बना लें, रजिस्टर रख लें पास, कुछ ना कुछ लाजमी करते जाएं ताकि आप लोग जो है वो फारिग ना बैठे। उसके बाद एक छोटी सी एक एग्जांपल, आपने मुझे ये बताना है, घरों में बहुत वो यूज होता है पकाने के लिए, हम उसको यूज करते हैं, वो उसमें हम इजीली जो है गैस के प्रेशर को समझ सकते हैं। आप लोगों ने मुझे उसका नाम बताना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों की असाइनमेंट रहेगी। किचन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको जो है, वहाँ इजीली हम गैस प्रेशर जो है वो समझ सकते हैं। तो खाना वगैरह बनाने के लिए या गोश्त वगैरह बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। आपने उसका मुझे नाम बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।